उदयपुर के आसपास के इलाकों में देर रात से लगातार हो रही बरसात के बाद क्षेत्र की कई नदियां नाले उफान पर आ गए हैं। कोड़ियात गांव के पास बहने वाली बुजड़ा नदी भी लंबे समय बाद अपना रौद्र रूप दिखाते हुए आई। इस नदी में जब तेज बहाव से पानी आया तो शहर की ताज होटल में जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो गया और यहां गार्ड के लिए मुख्य द्वार पर रखा लोहे का एक केबिन कागज की नाव की तरह पानी के तेज बहाव में बह गया। आपको बता दें कि यह ताज होटल वही है जिसमें कुछ हफ्तों पहले कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। आलम यह है कि उदयपुर के आसपास के सभी नदियों और तालाबों के साथ ही शहर के कुछ चौराहे भी नदियों के रूप में देखे गए। अब आप इन नज़ारों को देखिए। यह है जाड़ोल नेशनल हाईवे 58 का चौगड़िया गाँव के पास वाला हाईवे। यहाँ पर हाईवे पर पहाड़ी खिसक कर सड़क पर आ गए और सड़क पर पहाड़ का मलबा इकट्ठा हो गया। इस दौरान हाईवे से कई वाहनों के साथ ही कुछ पशु भी घूम रहे थे, लेकिन इसमें कोई भी चोटिल नहीं हुआ। अब आप इस नज़ारे को देखिए। यह शहर का एक डेलीगेट चौराहा है जहां हर बार बरसात से पूर्व यहां के नालों की सफाई करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की पोल एक बार फिर खुली नजर आई और डेलीगेट चौराहे पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। आलम यह था कि कई दोपहिया वाहन चालकों ने इस चौराहे पर भरे पानी से अपने वाहन निकालने के प्रयास किए तो बंद पड़ गए और लोग अपने वाहन पानी से घसीट कर बाहर निकालते नजर आए। दहली गेट के साथ ही शहर के अन्य चौराहे पर भी जल भराव देखा गया जहां लोग अपने वाहन पैदल घसीटते नजर आए। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि हर बार शहर की जनता से बरसात से पूर्व किए जाने वाले दावे आखिर बरसात के मौसम में हवा हवाई क्यों हो जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं जिले भर में हुई बरसात की कुछ झलकियां। और तेज होती जा रही है, बहुत और तेज होती जा रही है। अब तो गाड़ी कम भी हो गए ना, अब गाड़ी को देखो हटाना पड़ेगा। गाजर गाजर ले लिए।